बिहार में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बिहार में गंगा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार से राजधानी पटना समेत कई जिलों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी के साथ साथ अब बिहार में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में गंगा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बाढ़ प्रभावित पटना, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के लिए करीब 300 नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बक्सर में गंगा नदी लगभग 10 घंटों से 60.92 मीटर पर स्थिर है, जबकि रेड लेवल 60.32 मीटर पर निर्धारित है। निचले इलाकों में बसे लगभग 1000 घरों में पानी भर गया है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। गंगा नदी में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बराज से 16 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से फोन पर बात कर गंगा समेत बाकी नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जाहिर की है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।